बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी जिसका फॉर्म दिसंबर 2019 में आया था, जिसकी परीक्षा भी 22 मार्च को प्रस्तावित थी। कोविड-19 की वजह से वो परीक्षा स्थगित कर दी गई। देश उस समय और अभी तक भी अगर देखा जाए तो एक भयंकर महामारी में उलझा हुआ पड़ा था, और काफी हद तक के रिलैक्सेशन के बाद जब कुछ चीजें नॉर्मल हुई, थोड़ी सी स्थितियां सामान्य हुई, तो गवर्नमेंट ने एक डिक्लेयर किया डेट, जो कि 16 अगस्त 2020 को परीक्षा आयोजित करने के लिए किया है। जब 22 तारीख को यह परीक्षा पोस्टपोन हुई थी, हम लोगों ने मैक्स में भी फट लगा करके, जिसमें आप सब लोग भारी संख्या में संस्थान से जुड़े हुए थे, हमारी क्लासेस को आपने कंप्लीट किया था और पढ़ा था, आपकी बहुत ही बेहतर तैयारी थी, और कुछ अगर चीजें थी तो हम लोग मैराथन कंप्लीट करा रहे थे, उसी दौरान ये सब सिचुएशन जनरेट हुई थी जिसकी वजह से उन चीजों को रोक दिया गया था। हम अभी भी संस्थान के उन सभी छात्रों के लिए समर्पित हैं जो कि हमसे जुड़े हुए थे, उनके लिए भी हम बेहतर प्लानिंग कर रहे थे और कर भी रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर जैसे ही खंड शिक्षा अधिकारी 2020 के लिए फिर से जो है 16 तारीख को जैसे एग्जाम प्रस्तावित हुआ, हम लोग के पास इतने सारे मैसेज संदेश आने लगे सर की कुछ ऐसी स्ट्रैटजी ऐसी प्लानिंग किया जाए जिससे कि हम लोग बेहतर तैयारी कर सके, मतलब अच्छे से अपनी इस चीज को रिस्पॉन्स कर सके, जो हमारे चेहरे के सामने हमारे नजर के सामने जो अंधकार इस समय पड़ा हुआ है कि परीक्षा में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, लिमिटेड समय में कैसे सही उपयोग करें, इसका एक सही गाइडलाइन कैसे प्राप्त करें, उन्हीं सबको देख करके इस चीज को फिर से प्लान किया गया है। एक क्रैश कोर्स हम लेकर आए हैं खंड शिक्षा अधिकारी 2020 के लिए, टारगेट 45 डेज का। रवि सर ने इसके पहले एक वीडियो में आपको इसके बारे में अच्छी तरह से इन प्लानिंग के बारे में डिक्लेयर किया है। यह एक क्रैश कोर्स है, इसका अर्थ ये होता है कि हम लोग एक निर्धारित समय में एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हर चीज को एक बेहतर सुनियोजित तरीके से, मतलब इसमें हमें जैसे हम कोई भी परीक्षा अगर देते हैं तो आप भी इस चीज को अनुभव कर रहे होंगे, और आप में से अधिकतर तो टीचर ही होते हैं। मुझे जैसे पिछली बैच का रिस्पॉन्स मिला था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुद ही टीचर थे, और टीचर हैं तो अधिकारी बनने का सपना सजोए हैं, उनको लग रहा है कि हम अधिकारी बन सकते हैं, तो उनको अधिकतर इस बात की नॉलेज है और अपने छात्रों से भी देखते होंगे, खुद भी अनुभव करते होंगे। जब परीक्षा के दौरान हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि हमारे सामने एक भंडार किताबों का पड़ा होता है, उस समय हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए इसमें ज्यादा माथाबच्ची करनी होती है। अगर आप इस समय निर्धारित कर दे कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो वो तो अलग चीज हो गई, क्या नहीं पढ़ना है अगर उसको हटा दे तो किताब आपकी बड़ी छोटी हो जाती है। हमारा उद्देश्य भी यही, हमने अभी अपने अनुभव के आधार पर तमाम सारे परीक्षाओं को नजर में रख करके इस चीज को तैयार किया है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है उसको पूरी तरह से अपने जेहन से हटा देना है, जो पढ़ना है उतने भर का समय हमारे पास है 45 दिन का। हम लोग 35 से 40 क्लासेस की प्लानिंग कर रहे हैं और सारे मॉड्यूल को सारे कंटेंट को हम आपके सामने डिलीवर करेंगे। एक क्रैश कोर्स, जो बेहतरीन क्रैश कोर्स एक बेहतरीन टीम के मार्गदर्शन में आपको मिलेगा संस्थान की तरफ से, तो संस्थान भी चाहता है कि आप उसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का मतलब हम भी चाहते हैं ज्वाइन करें और आप भी चाहते हैं कि हम ज्वाइन करें। बहुत सारे ऐसे संदेश हमको मिलते हैं जैसे ही पहला वीडियो जाता है कि सर हम कैसे ज्वाइन करें, हम ऐसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, हमको मिल नहीं पा रहा है, बहुत सारी ऐसी स्थिति आती है। तो हम सभी टीचर्स फिर से प्रयास करते हैं कि आपको सही जानकारी दें, तो एक ऑथेंटिक व्हाट्सएप नंबर संस्थान की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, और वह व्हाट्सएप नंबर आप देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने है 7269055037। बिना किसी भ्रम के, बिना किसी संशय के, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर एंट्री फॉर बीईओ ऐसे कुछ लिख करके आप एक SMS करेंगे, संस्थान के टेलीकॉलर्स आपसे संपर्क करेंगे। व्हाट्सएप करने के साथ साथ अगर हमारी वीडियोस के नीचे आप देख रहे हैं तो एक पट्टी चल रही है, उसमें कई सारे नंबर कॉलिंग के लिए रखे गए हैं, आप किसी भी नंबर पर कॉल करके संस्थान से जुड़ने का आप तरीका प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा। आगे मैं बढ़ता हूं तो जरूरत जो है उसकी बात मैं करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम आपको मैथ भी से पढ़ाएंगे जिसकी अपनी एक गंभीर अनिवार्यता होती है, इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग मैथ्स को लेकर के बड़े भयभीत होते हैं, डर रहता है दिमाग में, तो उस डर को दूर हम आपको श्योर भगाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा कंटेंट जाने की आवश्यकता होती है। मैं बहुत यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को, सीधे हम आपको पैटर्न पर लाएंगे, सीधे आपको उस जगह पर लाएंगे जहां आपकी वास्तव में आवश्यकता होती है। गणित विषय जिसके लगभग 30 प्रश्न आने हैं, मैं आपको बता दूं, आपको रवि सर ने भी इस चीज को बताया था, लगभग 30 क्वेश्चन आने हैं, तो इसकी भी इंपॉर्टेंस काफी हद तक, वो जनरल स्टडीज का जो पहला पेपर है जिसमें 120 क्वेश्चन आपका होना, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन मैथ्स के होने हैं। उस मैथ्स में हम एक एक चीज को तो नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया जो आपका पाठ्यक्रम दिया है उसमें अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित,
इन तीन चीज को रखा गया है तो उसका मतलब है उसने पूरी मैथ्स रख दी है। अगर देखा जाए अंगणित कह करके उसने पूरी मैथ्स रख दी है, बीजगणित कह करके अंगणित बीजगणित को जोड़ दिया जाए, साथ में रेखागणित को जोड़ दिया जाए, तो कई सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व हो गई इसमें। अगर देखा गया थोड़ा सा मेंसुरेशन हट गया अगर हम लोग यहाँ पर रेखागणित की ही केवल बात करें, लेकिन प्रश्नों का जब लेवल आप देखते हैं तो कई सारी चीजें आपको नई नई नजर आती हैं। जब पुरानी परीक्षाओं को हम आज के समय की परीक्षाओं की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, आप जब नोटिस करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा जो कमीशन है वो पाठ्यक्रम क्या देता है और वास्तविकता में पेपर में क्या आता है, बहुत फर्क होता है। आपने टेट का पेपर दिया होगा तो आपको एहसास होगा कि पाठ्यक्रम क्या है और प्रश्न कैसे पूछे और प्रश्न किस पैटर्न के पूछे। तो हमारा उद्देश्य यही है, देखिए हम यहाँ पर मेन सिलेबस की बात नहीं करेंगे, मतलब ये नहीं कि हम आपको पर्टिकुलर ये लिखा है हम रेखागणित तो हम रेखागणित पढ़ा के हट जाएं। हम आपको प्रैक्टिकली प्रश्न पर लेकर चलेंगे, क्वेश्चंस पर लेकर चलेंगे, जो टॉपिक उठाएंगे उस पर डायरेक्ट प्रश्नों पर आएंगे, उसकी व्याख्या के साथ साथ उससे संबंधित जितने भी भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य टोटली यही रहेगा हमारे उस पढ़ाने का जो इस मैथ विषय को लेकर के है, इसको पूरा पढ़ाने का एक मॉड्यूल हमने डिसाइड कर रखा, उस मॉड्यूल को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इस मॉड्यूल में जो स्टडी मॉड्यूल हमने जनरेट किया है, इसमें मैंने प्लान किया है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा प्रैक्टिस के साथ, कॉन्सेप्ट दूंगा प्रैक्टिस के साथ, लेकिन प्रैक्टिस आपका टोटली जो है, देखिए कैसे बताया मैंने, एक कुछ सिलेक्टेड प्रश्न मैंने तैयार कर रखे हैं जो कि अलग अलग चैप्टर्स के हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक टॉपिक उठा रहा हूँ, सपोज करिए मैंने नंबर सिस्टम उठाया, तो नंबर सिस्टम के आपको पता है कि कई सारे पार्ट होते हैं। अगर आप मेरा जो है पहले का वीडियो आप देखे होंगे जिसमें आपको जो है जब शुरू में हमने क्लास स्टार्ट किया था जनवरी माह में, जब हम लोगों ने जो है प्रॉपरली हम एक बड़ा बैच हम लोगों ने प्लान किया था और बना था आपका बैच, तो उस समय हमने यहाँ पर हर चीज को डिलीवर किया था कि एक्चुअली क्या क्या है नंबर सिस्टम में या किसी भी रिलेटेड चैप्टर में। आज की डेट में हम उस चैप्टर की बात करें, उस चैप्टर जितने भी संबंधित टॉपिक होंगे उन सारे टॉपिक्स के अलग अलग प्रश्न होंगे, वो सिलेक्टेड प्रश्न कई लेवल पर कई मॉड्यूल में आपके सामने होंगे, साथ साथ उसकी एक टेस्ट सीरीज हम इसको प्लान कर रहे हैं। और जो टेस्ट सीरीज होगी आपको सारे प्रश्न केवल और केवल बीईओ के जनरेट होंगे, मतलब केवल और केवल वही होंगे जो बीईओ परीक्षा में आए होंगे। लेकिन आप इतना जानते हो, आपके पास इतना अनुभव है कि अगर हम बीईओ कह रहे हैं और प्रश्न वही है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि क्वेश्चन ही पूरी तरह से अलग हो जाएगा, मैथ ही बदल जाएगी, मैथ नहीं बदल जाती है। प्रश्न लगभग अगर आप यूपी स्टेट पर कोई परीक्षा दे रहे हैं, यूपी स्टेट में कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो यूपी स्टेट के जितने भी एग्जाम होंगे अगर गणित उसमें आ रहा है मैथ्स उसमें आ रहा है तो प्रश्न बनाने का कमीशन एक ही होता है, वहीं से सारे प्रश्न मंगाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात प्रश्नों का रिपीटेशन होता है। हाँ मॉड्यूल डिफरेंट होता है, लेवल डिफरेंट होता है, लेकिन प्रश्न एक ही जगह से उठाए जाते हैं, वहीं से यूपीएसआई का भी उठाया जाएगा, वहीं से लेखपाल का भी उठाया जाएगा, वहीं से टेट का भी सुपर टेट का भी उठाया जाएगा, वहीं से आपका बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी का भी उठाया जाएगा। लेकिन हम देखेंगे, हम चयन करेंगे उन्हीं प्रश्नों को जिनकी वास्तव में आवश्यकता होती है। मैं एक छोटा सा डेमो आज दूंगा आप लोगों को जो कि आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, एक छोटा सा डेमो मैथ्स को लेकर के मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहा हूं। यह डेमो नंबर सिस्टम पर बेस्ड है और नंबर सिस्टम को इसने एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, बट नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ सिलेक्टेड 15 प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ये 15 क्वेश्चंस जो आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होंगे, इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके तैयारी में एक बेहतरीन रोल निर्धारित करेंगे। ये जो हम 15 प्रश्नों का नंबर सिस्टम का एक मॉड्यूल आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इसी तरह से नंबर सिस्टम में हमने तीन मॉड्यूल जनरेट किया है, तीन मॉड्यूल तैयार किया है। एक मॉड्यूल आज की डेट में मैं कराऊंगा, इसके साथ साथ इसी तरह से मैंने जैसे तीन तीन मॉड्यूल तैयार किया है हर चैप्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंस के तहत, कि चैप्टर कितना बड़ा है कितना छोटा है, कोई बड़ा है तो 3, कोई छोटा है तो 2, कोई और बड़ा है तो 4, इस तरह से हर एक चैप्टर से हम 3-3, 4-4 मॉड्यूल जिसमें हर टॉपिक कवर्ड है उसकी प्रॉपर व्याख्या, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। एक जनरल समरी हम नंबर सिस्टम के नंबर एक मॉड्यूल से हम लेकर आपको दिखाएंगे जिसमें 15 प्रश्नों का चुनाव हमने किया, उन 15 प्रश्नों के साथ साथ उसकी कंप्लीट व्याख्या भी कराई जाएगी। अब आप जुड़ जाइए पूरी तन्मयता के साथ पेन कॉपी लेकर के, और आप एक बेहतरीन जो है बेहतरीन तैयारी को आप अंजाम दे सकते हैं। अगर आप सभी प्रश्नों को अपने से लेते हैं और सभी प्रश्नों को कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में आप बेहतरीन जो है प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाते हैं। तो मैं बढ़ता हूं अपने उस पैटर्न पर जो हमने यहां पर प्लान कर रखा आपके लिए। मैंने जैसे बताया हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं और नंबर सिस्टम के हम केवल एक मॉड्यूल पर आ रहे हैं, मॉड्यूल 1 जो हमने यहाँ पर आपके लिए बनाया है। मॉड्यूल 1 में हम 15 क्वेश्चन चुनाव किए हैं 15 प्रश्नों का, और उन सभी 15 प्रश्नों को आपको सॉल्व कराएंगे, साथ साथ उनका कॉन्सेप्ट भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, आप सीख करके उन सभी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए प्रश्नों पर आते हैं। आप एक एक प्रश्न को अपने दिमाग में रखिए और समझने की कोशिश करिए। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने होगा बोर्ड पर, जो आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या है।
प्रश्न नंबर एक में आपको आपके स्तर आपकी परीक्षा पर आधारित एक प्रश्न दिया गया है, एक संख्या दी गई है 6978 35 124, उसमें तीन का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा गया है। तो जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक संख्या, उसमें किसी अंक का हमें स्थानीय और जातीय मान ज्ञात करना है, तो उसमें जातीय मान स्थानीय मान के अंतर की बात कर रहा है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाउट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको देता जाऊंगा जिससे कि आपको यह टॉपिक क्लियर हो जाए। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे, क्या होता है। जब कोई हम संख्या लिखते हैं, जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो आपको पता है संख्या के दो पार्ट हो जाते हैं, एक उसका इंटीजर पार्ट हो जाता है और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है, जैसे मैंने लिखा कि 185 पॉइंट, देखिए अभी कभी आपने सोचा होगा कि जरूरी नहीं हम पॉइंट लगाएं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट की इंपॉर्टेंस है, पॉइंट को लगाना जरूरी होता है। अब मान लीजिए मुझे इस तरह की एक संख्या दी गई, आपने देखा कि संख्या में दशमलव लगा हुआ है और दशमलव के इधर के कुछ भाग हैं और इधर के भी कुछ भाग हैं, तो जरूरी नहीं कि दशमलव लगा ही होता, मान लीजिए केवल 185 होता, तो 185 अगर केवल होता तब भी आप जाकर के दशमलव के बाद शून्य शून्य लिख करके छोड़ सकते थे। अब जैसे मान लीजिए यह संख्या लिखी गई, तो आपने देखा कि इस संख्या को, जैसे जब मैं यहां पर कंप्लीटली लिख पा रहा हूं क्योंकि दशमलव के अंक के पहले की भी बात मैं कर रहा हूं और बाद की भी बात भी मैं कर रहा हूं, मेरे पास संख्या क्या है 185.25, आप देख पा रहे हैं संख्या को। इसमें जब रीडिंग की जाती है तो यह आपका इकाई का स्थान होता है यूनिट प्लेस, यह आपका दहाई का स्थान होता है मतलब दसवां प्लेस, सौवां प्लेस मतलब सैकड़ा होता है, इकाई दहाई सैकड़ा इसी क्रम में बढ़ता चला जाता है। जबकि अगर आप इधर की बात भाग करेंगे तो यहां पर पार्ट होता चला जाता है, इसको कहेंगे हम दसवां भाग और इसको हम कहेंगे सौवां भाग, इसी तरह से यह डाउन होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है। अब अगर हम नंबर स्पेस को हम प्रेजेंट करके दिखाएं, इकाई को हम एक कहेंगे जो 10^0 होता है, या 10^1 होता है, या 10^2 होता है, इसी तरह से 10^3 के रूप में, 4 के रूप में, 5 के रूप में बढ़ता जाएगा। जब हम कोई संख्या जनरेट किए तो उसमें हमने अंकों का प्रयोग किया है, और आपको पता है अंक आपके 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, पूरे डिजिट जो हमारी मैथ्स में होते हैं 0 to 9 होते हैं, मतलब किसी भी अंक का हम स्थानीय और जातीय मान ज्ञात कर सकते हैं। स्थानीय मान देखिए कैसे ज्ञात किया जाएगा, मान लीजिए मैंने कहा मेरे सामने एक संख्या है और उस संख्या में हम किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे मुझसे कोई कहे, अब इसमें हम अगर मान लीजिए प्रत्येक अंकों के स्थानीय मान की बात करें, जैसे मैं 2 के स्थानीय मान की बात करूं तो 2 किस स्थान पे है बताएं, इकाई पे 10^0 पर, यह किस पर है दहाई पर 10^1 पर, यह 10^2 पर, यह 10^3 पर। आप किसी भी संख्या किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करिए तो 2×10^0 मतलब यह आपका 2 हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 5×10^1 मतलब यह आपका 50 हो जाएगा, 8×10^2 मतलब यह आपका 800 हो जाएगा, 1×10^3 मतलब यह आपका 1000 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इधर साइड दशमलव की तरफ जाते हैं तो यहां पर यह 10^-1 होगा, यह 10^-2 होगा, यह 10^-3 होगा, 10^-3 होगा। हम 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें, 3×10^-1 मतलब 0.3 हो जाएगा। इसी तरह से 5 का आप करिए तो 5×10^-2 मतलब 0.05 हो जाएगा। इसी तरह से 7 का करिए तो 7×10^-3 मतलब 0.007 हो जाएगा। अब आपने एक चीज नोटिस किया, अनुभव किया कि जरूरी नहीं कि हम इस तरह से इसको लिखें, जरूरी नहीं कि हम लोग यहां पर इतना बड़ा कैलकुलेशन करें स्थानीय मान के लिए। जब भी मुझे किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना होगा, जैसे 2 का, तो 2 का करने के लिए आप 2 के बाद दशमलव तक पहुंचने के लिए कितने अंकों को क्रॉस किया, एक भी नहीं, तो 2 का स्थानीय मान केवल 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 5 की बात करें तो 5 से दशमलव तक पहुंचने के लिए आप कितने अंकों को क्रॉस किए, एक अंक, तो 5 के बाद 1 0 बढ़ा दीजिए, 8 के बाद 2 अंक क्रॉस करना पड़ेगा तो 8 का स्थानीय मान 8 के बाद 2 0, ऐसे 1 का स्थानीय मान 1 के बाद आपको 3 अंक क्रॉस करना पड़ा तो 1 के बाद 3 0। इस तरह से स्थानीय मान हमने डिजिट इंटीजर साइड के अंकों का ज्ञात किया। जब यही फ्रैक्शनल साइड में ज्ञात करने जाए तो 3 का स्थानीय मान करें, देखिए 3 का स्थानीय मान मतलब 3 से दशमलव तक पहुंचने के लिए आप एक भी अंक क्रॉस नहीं किए तो 0.3 हो जाएगा। 5 का करना है तो 5 के बाद आप देख रहे एक अंक क्रॉस कर रहे हैं तो 0.05 हो जाएगा। ऐसे ही 7 का अगर करना है तो 0.007 हो जाएगा।
इस तरह से अंकों का स्थानीय मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अंकों का स्थानीय मान अंकों की पोजीशन और अंक की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लीजिए स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू, दैट इज जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम और उसका एड्रेस दोनों का मिक्सचर होता है कि फला व्यक्ति है जिसकी ये इसका ये नाम है और वो उस एड्रेस पे रहते हैं, उसी तरह से अंक का अंक की पोजीशन अंक की वैल्यू का निर्धारण करता है। सोचिए दो एक छोटी संख्या है और इकाई के स्थान पर है, आठ इसे दो से छोटी संख्या देखिए एक है लेकिन हजार पे रह करके दो से बड़ा रोल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहने का अर्थ होता है कि स्थान पर रह करके वो अपनी पोजीशन को बड़ा बना लेती है। उसी तरह से कोई स्थान पर जैसे सात देखिए कितना बड़ा अमाउंट है लेकिन छोटी संख्या हो गया क्योंकि स्थान इसका कमजोर है, ठीक है। जबकि जातीय मान की बात किया जाए, जातीय मान किसी भी संख्या में, मेरी बात को दिमाग में रख लीजिएगा, जातीय मान जिसको अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहा जाता है, फेस वैल्यू इज जस्ट द फेस, जस्ट द सेम थिंग, कहने का अर्थ ये होता है कि अगर किसी भी अंक का किसी भी संख्या में हम जातीय मान ज्ञात करेंगे तो जातीय मान उस संख्या में उस अंक का वही रहता है। आप अगर यहां पर दो के जातीय मान की बात करेंगे दो होगा, पांच का पांच होगा, आठ का आठ होगा, एक का एक होगा, इधर आप तीन का तीन होगा, पांच का पांच होगा, सात का सात होगा। कहने का मतलब जातीय मान किसी भी संख्या में किसी भी अंक का एज इट इज रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब हम प्रश्न में अपने आएंगे, जो हमने आपको प्रश्न दिया है उस प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, तो इसने हमसे कहा इस संख्या में जो हमको यहाँ पर दी गई है, इसमें हमसे कहा कि संख्या देखिए क्या है, 6 9 7 8 3 5 1 2 4, कहा है तीन का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तीन का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम तीन के पास गए क्योंकि दशमलव के बाद जीरो है, तीन के बाद देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4, 30,000 हो गया। जातीय मान ये तो स्थानीय मान हुआ, ये तो स्थानीय मान हुआ, और जातीय मान देखिए क्या होगा, एज इट इज तीन होगा, जातीय मान तीन का क्या होगा, तीन ही होगा। डिफरेंस कर दीजिए दोनों का, तो 2 9 9 9 7, 2 9 9 7 इज द सी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर, करेक्ट उत्तर आपके सामने है। आप नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और दूसरे प्रश्न पर आते हैं, सेकेंड नंबर प्रश्न पर आए। अब देखिए जातीय स्थानीय मान के बाद एक दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, वह कॉन्सेप्ट है इकाई के अंकों पर आधारित। इकाई के अंक पर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है और हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसने हमसे एक व्यंजक दिया है और कहा है इस कैलकुलेशन का इकाई अंक क्या होगा, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की। अब हमारे पास इसका यह कहने का अर्थ है कि कोई अगर संख्या दी गई है तो संख्या का इकाई अंक क्या होगा। अब संख्या का इकाई अंक तो आसान चीज है, कोई संख्या आपको दे रहा है तो आप इकाई अंक देख करके तो बता ही सकते हैं, बट जब इस प्रकार का एक कैलकुलेशन होगा जिस कैलकुलेशन में कई चीजें होंगी, पावर का भी कॉन्सेप्ट है, गुणे का भी कॉन्सेप्ट है, जोड़ घटाओ का भी कॉन्सेप्ट होगा, तो आपके लिए एक बड़ा कंफ्यूजन आएगा। मैं आपको थोड़ा सा इकाई पर बात करा देता हूं जिससे कि आप चीजों को स्पष्ट समझ सकें कि है क्या एक्चुअली। तो हम इकाई की बात करने जा रहे हैं, यूनिट डिजिट की बात करने जा रहे हैं। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का, मैं समरी में थोड़ा सा समराइज्ड वे में इकाई का अंक मैं यहां पर डिलीवर कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, चीजें आपको बड़ी जल्दी स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि देखिए जब हम क्रैश कोर्स प्लान करेंगे और हम 45 दिन का आपको टारगेट देंगे तो हमें कुछ इसी तरह से प्लान करके बढ़ना पड़ेगा, इसी तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी। लेकिन मैक्सिमम दूंगा, इतनी मैं आपको सियोरिटी देता हूं, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आप इस बात को अनुभव ही करते होंगे। मैं जो कहूंगा उसको श्योर आपको करके दिखाऊंगा, उतना मैं आपको समझा के चलूंगा, इतनी मेरी सियोरिटी आप मानकर चलिएगा। कोई संख्या दी गई है, इकाई अंक सोचना समझना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे 9 8 7 3 इकाई अंक देखिए एग्जैक्टली 3 हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बट जब यहां पर जोड़ घटाव हो, जैसे कि 8 7 3 2 5 8 7 9 6 8 5 8 7 3, अब इस समय अगर इकाई अंक ज्ञात करना है तो एक तो ऑप्शन है कि सबको जोड़ करके आप देख लीजिए जो आए संख्या वही मान होगा, नहीं तो केवल आप इकाई के अंकों को जोड़िए, 3 8 11 मतलब 1 1 9 10 मतलब 0 0 3 3, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3, यह आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं थी, आपको केवल और केवल इकाई के अंकों को जोड़ने की आवश्यकता थी। जैसे देखिए 3 8 11 मतलब 1 1 और 9 मिलके 10 मतलब 0, और 0 को 3 में जोड़ा तो 3, 3 इकाई अंक हो गया। एक और देखिए, मैंने कहा 9 7 8 3 4 5 9 9 8 8, अब इसको अगर आप जोड़िए तो आप इकाई का अंक तुरंत बता सकते हैं, देखिए कितना होगा, 7 3 10 मतलब 0 0 5 5
5, 9, 14 मतलब 4, 4, 8, 12 का मतलब 2, यहां पर इकाई का अंक कितना बनकर आ रहा है 2। इस तरह से कोई जोड़ रहेगा तो इकाई का अंक तुरंत बता देंगे, देख करके समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। घटाव होगा तो भी आप बता सकते, जैसे मैंने कहा 9875 -3212, 5 में से 2 निकाल दीजिए, इकाई का अंक 3 होगा, तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं देगा ये। लेकिन यही जोड़ घटाओ दोनों मिक्स होंगे, जैसे 9357 -2473 + 4599 -3213। अब आपको देखिए जोड़ घटाओ दोनों दिया गया है, ऐसे समय इकाई का अंक करने के लिए 7 में से 3 घटाइए 4, 4 में 9 जोड़िए 13 मतलब 3, 3 में से 3 घटा दीजिए 0, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। देख करके आप बता सकते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन के बाद बता सकते हैं। गुणे का प्रश्न अगर आए तो हम उसको भी फेस कर लेंगे, जैसे अगर मल्टीप्लीकेशन आता है, देखिए जैसे जोड़ घटाव कर लिया उसी प्रकार से मल्टीप्लीकेशन भी हम आराम से कर लेंगे, जैसे 2345 × 87 × 39 × 45। अब आपके सामने देखिए एक प्रश्न है, अब इस तरह का गुणा भी अगर आएगा एज इट इज किया जाएगा, जैसे हम जोड़ घटाव में कर रहे थे, अंक अंतिम अंकों का ही प्रयोग करेंगे, जैसे 5 × 7 = 35 का मतलब 5, 5 × 9 = 45 का मतलब 5, 5 × 5 = 25 का मतलब 5, इकाई का अंक 5 हो गया। एक और देखिए 23 45 88 99 97। इस तरह से देखिए आपके सामने एक और कैलकुलेशन है, आप इसमें भी इकाई का अंक अगर आप बता रहे हैं तो कितना होगा, देखिए 3 × 5 = 15 मतलब 5 हो गया, 5 × 8 = 40 का मतलब 0 हो गया। अब आपको समझना यहाँ पर है कि जैसे ही एक मान 0 हो गया और गुणे का प्रयोग किया गया तो आपको और करने की आवश्यकता नहीं, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का सिक्वेंशियल गुणा होगा आपके पास, अगर एक भी गुणे में आपको 0 नजर आया तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के इकाई का अंक 0 बता सकते हैं, छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ूंगा मैं, और देखिए अब गुणे के बाद जैसे कुछ प्रश्न पावर के होते हैं, पावर मतलब आप समझिए, देखिए ऐसे जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है तो संख्या का अपना एक सिस्टम है, मतलब वो आधार है, आधार के ऊपर लगी एक घात है, आधार को अंग्रेजी में हम बेस कहते हैं, और बेस के ऊपर लगी है उसकी एक पावर है, बेस के ऊपर लगी उसकी एक पावर है। अब आप समझने की कोशिश करिए, हर संख्या कुछ इसी सिक्वेंस में होती है, जैसे 5 लिखा है तो सही से 5 को हम 5 की पावर 1 कह सकते हैं, 4 लिखा है तो 4 को आप 2 की पावर 2 कह सकते हैं, क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर है। तो कहने का अर्थ होता है कि हर संख्या का अपना एक सिस्टमेटिक आधार होता है और उसकी लगी उसके ऊपर एक घात होती है। घात करती क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 का गुणा 3 बार होगा, आप लोग इतना तो जानते ही हैं, कोई समस्या नहीं। 5 की पावर अगर 4 है इसका मतलब 5 का गुणा 4 बार होगा, 5 का ही आपस में। तो कहने का मतलब जो पावर होता है उस आधार को उतनी बार मल्टीप्लाई करता है। तो सही पूछा जाए तो दिस इज आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बट इतनी बार होगा कि आप उतने टाइम्स कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी तो 2 बार 3 बार मैं लिख रहा हूं तो समस्या की बात नहीं है, जब यही 10 बार 15 बार या 1000 बार 1500 बार होगा तो समस्या होगी। उस दौरान हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे और कैसे निर्धारित कर पाएंगे कि इसकी इकाई का अंक क्या है, इस चीज को हम आपको समझाते हैं, समझना। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पहली चीज तो इसमें दिमाग में रख लीजिए कि हम जब कोई पावर और बेस का कोई सिस्टम उठाएंगे तो हमारे दिमाग में यही चलना चाहिए। देखिए जब हम जोड़ भी कर रहे थे, घटाव भी कर रहे थे, गुणा भी कर रहे थे, तो हम लोग केवल इकाई के अंकों को नोटिस कर रहे थे। तो इकाई के अंकों को ही मैं टारगेट करूंगा कि इकाई के अंक पर हमारा क्या क्या आ सकता है। इकाई के अंक पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं में से तो कोई ना कोई आएगा ना, इसके अलावा तो कोई आ नहीं सकता, बस इन्हीं में से कोई ना कोई बनकर सामने आएगा, समझना। अब आप लोग अगर मान लीजिए मैंने कहा किसी भी आधार के अंत में, ध्यान दीजिएगा, आधार के अंत में 0, 1, 5 या 6 आएगा, आधार के अंत में 0, 1, 5, 6 आएगा, तो इकाई का तो घात पर चाहे जो भी होगा, तो हम देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं किसी भी घात के लिए, तो किसी भी घात के लिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग जो मैंने बताया यहां पर, मैंने कहा कि अगर हमारे पास आधार के अंत में 0, 1, 5, 6 आता है तो किसी भी घात के लिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा 2890 की पावर 123 लगाया और आपसे पूछा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप देख करके बता सकते हैं सर 0 होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास आधार के अंत में कितना है 0 है। मैंने लिखा 18131 की पावर 299,
आप कह देंगे इसका भी इकाइक अंक एक होगा क्योंकि यहां पर आधार के अंत में कितना है, एक है, कोई भी घात रहेगी मान एज इट इज रहेगा। 9955 की पावर 43271, मैंने देखा तो यहां पर अंत में पांच है तो इसलिए इकाइक अंक भी पांच आएगा। 89856 की पावर 339, अब यहां भी मान छह ही आएगा क्योंकि अंत में यहां पर छह है। तो मेरा कहने का अर्थ था कि कोई भी संख्या होगी जिसके अंत में अगर शून्य, एक, पांच या छह आएगा तो उसके इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा किसी भी घात के लिए। अब आप इसके बाद का सोचिए, हमने कहा इसके बाद आधार के अंत में, फिर दूसरी बात मैंने बताया आधार के अंत में, यदि चार आए या नौ आए, तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर समझाऊंगा। चार आए या नौ आए और घात, ध्यान देना, घात यदि सम होगी, घात अगर सम होगी या विषम होगी, दो ही चीज होगा तो ध्यान देना होगा आप लोगों को। इसी तरह से इसमें भी सम होगी या विषम होगी। अब आपको इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, अगर आधार के अंत में हमारे पास चार हमको मिल रहा है या नौ मिल रहा है, तो चार और नौ के लिए मैंने कहा कि अगर घात हमारी सम होगी या विषम होगी, इसकी भी सम होगी या विषम होगी। सम के लिए मान यहां पर इकाई के अंक पे छह आएगा और विषम के लिए हमेशा चार का चार ही रह जाएगा। सेम टू सेम सम के लिए यहां पर एक आएगा और विषम के लिए नौ का नौ ही रह जाएगा। तो मैंने कहा कि जब किसी भी संख्या, मतलब आधार के अंत में या संख्या के अंत में चार या नौ आए तो विषम घात के लिए चार एज इट इज रहेगा, नौ एज इट इज रहेगा, बट सम घात के लिए चार छह हो जाएगा और नौ आपका कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस चीज को समझना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको दिखा देता हूं, मैंने कहा 2894 की पावर मैंने लगा दिया 23473। अब आप बताइए कि यहां पर अंत में क्या है, चार है, घात क्या है, तीन अंत में है, मतलब विषम संख्या है। अगर सम होगी तो उसके अंत में शून्य, दो, चार, छह या आठ रहेगा। सम के लिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या को अगर हम कह दें कि अगर वह सम संख्या है तो उसके अंत में, संख्या के अंत में शून्य, दो, चार, छह या आठ होगा। अगर शून्य, दो, चार, छह, आठ के अलावा है तो वह संख्या एक विषम संख्या, इस बात को भी आप लोग अपने जहन में रख लीजिए। मैंने कहा कि देखिए यहां पर अंत में चार है और इसके अंत में क्या है, तीन है, इसका मतलब विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो यहां पर मान हमारे पास जो हमने कहा चार का चार ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे मैंने लिखा होता अगर 2874 की पावर अगर हम लगाते 4246। अब आप देखिए, अब आपके सामने समझ में आया होगा, अंत में तो चार है लेकिन घात एक सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए चार में आपको बताया कि चार की जगह पर कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। सेम टू सेम अगर हम आपको बताएं, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का प्रश्न होता 9879 की पावर अगर हमने कहा 239 है, अब आप देखिए अंत में तो 9 है और यह एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या है, तो तुरंत विषम वाला नियम लगेगा और मान यहां पर 9 का 9 ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम कह दें, कि यहां पर 9879 की पावर 2940, अब यहां पर देखिए अंत में तो 9 है बट यह एक सम संख्या है, इसलिए सम संख्या के लिए मान यहां पर एक हो जाएगा, इसलिए इसके मान में हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। यह तो मैंने बताया तब जब अंत में हमारे पास शून्य, दो, चार, छह, आठ आ रहा है, तो उस दशा में यहां पर ऐसी बात हो रही है। लेकिन अभी आप लोगों को थोड़ा सा और दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर अंत में, यदि दो, तीन, सात या आठ आए, दो, तीन, सात या आठ आए, तो सिस्टम क्या होगा, मैं आपको समझा दूं कि आपको पता है कि संख्या आधार की पावर के ऊपर डिपेंडेंट होगी। आपको ऐसी दशा में आधार के ऊपर पावर का मतलब घात होगा, ऐसी दशा में आपको घात को चार से भाग देना होगा, नियम देख लीजिएगा, और शेषफल प्राप्त करना होगा, और आपको बता दूं चार से क्योंकि भाग दे रहे हैं इसलिए शेषफल या तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। अब जो हमारे पास शेषफल आए उसको आधार के इकाई पर, रख देना होगा। आधार के इकाई पर इस रिमाइंडर को रख देने से जो मान होगा उस मान का इकाई का अंक ही आपका उत्तर होगा, एक आपकी सिक्योरिटी और आसानी में और कर देता हूं कि आपको इस पूरे पावर को चार से भाग नहीं देना पड़ेगा, इसके अंतिम दो अंकों को ही भाग देना होगा। बस अंतिम के दो अंकों को भाग दीजिएगा, बाकी पूरे की जरूरत नहीं है, अंकों को भाग दीजिएगा, शेषफल ज्ञात करिएगा, शेषफल ज्ञात करके इस आधार के इकाई पर रख दीजिएगा, जो मान आएगा उसका इकाई का अंक ही आपका उत्तर होगा।
जो प्रश्न दिया गया उसकी तरफ अगर मैं बढ़ूंगा तो आपको चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न आपके सामने है बहुत आसान सा। 7 की पावर 35 है, 7 की पावर 35 है, 3 की पावर 71 है और 11 की पावर 55 है। अब आपको इस व्यंजक का इकाई का अंक ज्ञात करना है, यूनिट प्लेस ज्ञात करना है। अंत में 1 है तो यहां पर कोई भी घात लगी होगी तो मान 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अंत में 3 है तो इसको 4 से भाग देना होगा, जो 71 है उसको हमें, जो 71 आपको दिया है उसको हमें 4 से भाग देना होगा। 2 डिजिट की संख्या है, 4 से भाग दे दीजिए। 18 चौके 72 होता है, या हम कह दे 17 चौके 68 होता है, 68 3 71 मतलब रिमाइंडर 3 हो गया। इस 3 को 3 की पावर लगाएंगे तो 27 मतलब केवल अंत का 7 नोट किया जाएगा। इसी तरह से इसको भी 4 से भाग दीजिए, 4 8 32 3 35, यहां भी रिमाइंडर 3 हुआ। 7 की पावर 3 343 होता है, तो अंत में इसके भी 3 आया। 3 × 7 = 21, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, इस प्रश्न का उत्तर 1, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। आप बता सकते हैं इसका मान, इसका इकाई अंक क्या होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आसान से तरीके से आपने सीख लिया। आगे बढ़ूंगा दूसरे के बाद तीसरे प्रश्न पर। यहां भी इकाई अंक पूछा है बहुत आसानी से, क्योंकि देखिए इसमें तो सिंपल से गुड़े का ही प्रश्न है। 584 है, 128 है, 617 है और 413 है। इकाई अंक हमसे पूछा गया है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। आप देखिए, 4 8 32 मतलब 2, 2 7 14 मतलब 4 और 4 3 12 का मतलब 2। इस प्रश्न का भी इकाई अंक देखिए 2 आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन में आपको है। बड़े आसान तरीके से आपने बता दिया, क्योंकि गुणे ही लगे हैं तो गुणे मतलब यूनिट डिजिट को गुणे करते जाएं, आपको आराम से इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात हो जाएगा, पता चल जाएगा। इसी सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ूंगा और तीसरे प्रश्न पर आऊंगा। अब देखिए एक और चीज हमारे सामने आई, शून्यों की संख्या। आपको एक समूह दिया गया है और उस समूह में 1 × 2 × 3 × 4 इसी तरह से बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं 500 पर, और 500 के अंत में कितने शून्य आएंगे, मतलब शून्यों की संख्या पूछी गई है। अब इस शून्यों की संख्या को मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे चढ़कर एक्सप्लेन कर देता हूं, जहां से चीजें आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए बोर्ड पर आते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शून्यों की संख्या का सिस्टम क्या है। मैं आपको बता दूं, अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या वो भी गुणनफल के, अंत में शून्यों की संख्या वो भी किस में, गुणनफल में। किसी भी गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे इस बात का निर्धारण हम करने जा रहे हैं। तो शून्यों की संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। शून्यों की संख्या किसी भी गुणनफल के अंत में, इससे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि शून्य आएंगे कि नहीं आएंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी गुणनफल होगा, गुणनफल में यदि गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में 5 और 2 आए, 5 और 2 आए, तभी अंत में शून्य आएगा, तभी अंत में शून्य आएगा। जैसे अगर आप किसी संख्या समूह का आपस में गुणा कर रहे हैं और गुणनखंड में 5 और 2 का प्रयोग हो रहा है, 5 और 2 एज ए फैक्टर आ रहे हैं, तभी उस गुणनफल के अंत में शून्य आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए 63 है, A67 है, A49 है, A43 है। अब आप देख रहे हैं इसमें कहीं ना तो 5 आ रहा, ना तो गुणनखंड में 2 आ रहा है, तो इसके अंत में कोई भी शून्य नहीं आएगा, एक भी शून्य नहीं आएगा। बस अगर जैसे हमारे पास 248 होता, 125 होता, 137 होता, अब देखिए यहां पर भी 2 का प्रयोग किया जा रहा है, यहां 5 का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब इसके अंत में शून्य आएगा। इसका अर्थ अभी तक इतना समझ लीजिए कि किसी भी गुणनफल में शून्य तभी आएगा जब गुणनखंड में 2 और 5 का प्रयोग किया जाए। शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की जो संख्या होगी, शून्यों की संख्या 2 और 5 के जोड़ों, जोड़ों मतलब पेयर्स के बराबर होगी, जोड़ों के बराबर होगी। शून्यों की संख्या 2 और 5 के जोड़ों के बराबर होगी। और पेयर, जैसे मान लीजिए मैंने एक गुणनफल किया, 125 है, 125 है, यहां पर 64 है, यहां पर 18 है, यहां पर 35 है। अब आप मान लीजिए इस गुणनफल के अंत में आप शून्यों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि शून्य तो आएगा इसमें, क्योंकि 2 का भी प्रयोग किया गया, 5 का भी प्रयोग किया गया। कितने शून्य आएंगे, मैंने वो भी बता दिया कि 2 और 5 के जोड़ों के बराबर होगा, जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतनी ही बार शून्य आएगा।
अब चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन हम जोड़ों की संख्या को डिसाइड कैसे करें? जोड़ों की संख्या डिसाइड करने का मतलब पहले पता करो पांच कितनी बार है। मैंने देखा पांच यहां पर तीन बार है, यहां दो कितनी बार है, दो यहां पर छह बार है, यहां दो कितनी बार है, यहां दो एक बार है, यहां पांच एक बार है। कुल मिला के जो मैंने पांच को देखा तो तीन और एक चार बार आया, दो को देखा मैंने दो छह एक सात बार आया। अब अगर आप जोड़े बनाने जाओगे तो जोड़े बनाने के दौरान जैसे मान लीजिए आपके पास पेन और पेंसिल का जोड़ा बनाना है, मान लीजिए चार पेन है और सात पेंसिल है, तो चार बार तो जोड़े बन जाएंगे, तीन पेंसिल आपकी छूट जाएंगी। कहने का अर्थ होता है कि जो कम बार होता है उतने ही जोड़े बनते हैं। अगर पांच यहां पर चार बार आया है तो चार जोड़े बनेंगे, फोर पेयर्स बनेंगे। अगर फोर पेयर्स बने तो इसका मतलब इस गुणनफल के अंत में चार बार शून्य आएगा, चार बार शून्य। तो यहां पर दिमाग में रखिए कि गुणनफल में पांच और दो का अगर प्रयोग होगा गुणनखंड के तौर पर तभी अंत में शून्य आएगा। पांच और दो के जोड़ों की संख्या के बराबर शून्यों की संख्या होगी, और शून्यों की संख्या को भी जोड़ों की संख्या भी अगर निर्धारित करना है तो जो कम बार आएगा उतने ही जोड़े बनेंगे। जो आपका प्रश्न था वो थोड़ा दूसरे तरह का था, उसको समझने की कोशिश करना। प्रश्न ए था, प्रश्न में हमारे पास एक सीक्वेंस था जो एक से लेकर के दो तीन चार से लेकर के अंत तक कहां तक गया था, 500 तक गया था। अब इसमें हमसे पूछा था कि इसमें जोड़ों की संख्या मतलब इसमें कितने अंत में शून्य आएंगे या मुझे बताना था। अब आपको ऐसे सीक्वेंस के लिए जब भी कभी ऐसा सीक्वेंस मिले जिसमें आपको यह निर्धारित करना है कि कितने शून्य आएंगे, इसके लिए जब भी सीक्वेंस एक से स्टार्ट होगा और अंत तक जाएगा तो मुझे यहां पर दो की संख्या और पांच की संख्या गुणनखंड की पता करनी होगी। हालांकि मैं इतना जानता हूं कि इस तरह के सीक्वेंस में दो का प्रयोग ज्यादा बार किया गया है, पांच का प्रयोग कम बार किया गया है, इसलिए मैं केवल पांच की संख्या को ज्ञात कर लूं कि कितनी बार पांच आया है तो हम लोग बता सकते हैं। इसको करने के लिए जो अंतिम का अंक होगा चाहे जो भी होगा उसको पांच से भाग दीजिए, पांच से भाग देंगे 100 बार जाएगा, अब 100 को फिर पांच से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, और 20 को फिर से पांच से भाग देंगे तो चार बार जाएगा। अब इन सब को जोड़ दिया तो 124 हो गया। कहने का मतलब कुल 124 बार शून्य आएगा क्योंकि 124 बार ही पांच का प्रयोग हो रहा है इस पूरे गुणनफल में। एज अ फैक्टर, एज अ गुणनखंड, पांच का प्रयोग 124 बार होगा, दो का प्रयोग बहुत ज्यादा बार होगा। उसको पता करने के लिए इस 500 को दो से भाग दीजिए, जो आए फिर दो से भाग दीजिए, इस तरह से करेंगे तो पांच का प्रयोग कम बार है इसलिए पांच को पता करके हमने बता दिया कि 124 बार आ रहा है तो 124 बार यहां पर इस गुणनफल में शून्य भी आएगा। आगे बढ़ूंगा अगले पांचवें प्रश्न पर। अब देखिए थोड़ा सा एक और बढ़िया प्रश्न आया जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी पर बेस्ड है, मतलब भाज्यता के नियम पर आधारित है। हम जो दूसरा मॉड्यूल लेंगे और थोड़ा सा लेवल को अपने हिसाब से चेंज करेंगे उसमें भी उसी तरह के प्रश्न होंगे इसी पैटर्न पर, लेकिन प्रश्नों का दायरा बढ़ जाएगा, प्रश्नों का लेवल बढ़ जाएगा। डिविजिबिलिटी, जैसे हमारे सामने एक संख्या 4, 5, 6, 7, 8 यहां पर स्टार है या क्रॉस है, 9, 2, 3, 1 है, पूछा गया 3 से पूर्णता विभाजित है तो x के कितने मान संभव है। तो 3 की भाज्यता अगर हमें पता करनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, 9 की भाज्यता बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रत्येक अंकों को जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए मैं यहां पर थोड़ा बोर्ड पे चल करके बता दूं आपको चीजें स्पष्ट हो जाए। 3 की भाज्यता, या हम ऐसे कह दें डिविजिबिलिटी बाय 3 मतलब 3 की भाज्यता। 3 की भाज्यता, जैसे हम किसी संख्या के लिए हमें पता करना चाहते हैं कि वह संख्या 3 से भाग दी जा सकती है, 3 से पूर्णता कटेगी कि नहीं कटेगी, इसके लिए जो भी संख्या दी जाएगी उस संख्या के प्रत्येक अंकों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने पर यदि अंकों का मान योग 3 के पहाड़े में आता तो संख्या 3 से पूर्णता कटती, अन्यथा नहीं कटती। जैसे 9 है, 8 है, 3 है, 7 है, 5 है, 2 है। अब आपने अंकों को जोड़ा तो यहाँ पे 9, 8, 17, 17, 3, 20, फिर से मैं जोड़ता हूँ 9, 8, 17, 3, 20, 20, 7, 27, 5, 35, 2, 37। मैंने जब इसको जोड़ा तो यहां पर 37 आ रहा है, 37 तीन के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब यह संख्या 3 से पूर्णता डिवाइड नहीं होगी, यह संख्या नहीं होगी। जैसे और दूसरा लिखा 9, 3, 6, 4, 5, 3। अब हमने जब इस संख्या की बात करी, जब मैंने इसको जोड़ा, देखिए क्या स्थिति आ रही, 9, 3, 12, 6, 18, 18, 4, 22, 5, 27, 3, 30। जोड़ने पर 30 आ रहा है, 30 3 से कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसका करने का एक सिस्टम और होता है, जो हमारे पास संख्या दी है 9, 3, 6, 4, 5, 3। आप यहां पर जो जो 3 से कट रहे डायरेक्ट काटते जाइए, जैसे 9 काट दीजिए, 3 से कट रहा, 3 कट रहा, 6 कट रहा है,
तीन कट रहा है, पांच और चार भी नौ हो जाते, तीन से कट जाएंगे। जब पूरा कट ही गया तो संख्या हमारे पास शून्य, मतलब उसका शेषफल शून्य आ रहा है, तो संख्या तीन से पूर्णतः कट रही है। आपको जो प्रश्न दिया गया वो भी कुछ उसी तरह के पैटर्न पर ही आधारित प्रश्न है। आपको जो दी गई संख्या है, आपको जो दी गई संख्या है 4, 5, 6, 7, 8 x 9, 2, 3, 1, यहां भी आपको कुछ ऐसे ही करना है। आपको सबसे पहले जो जो तीन से कट रहे हैं उनको खत्म करिए। जैसे नौ कट रहा है, तीन कट रहा है, दो और एक मिलकर तीन कट रहा है। हमसे पूछा है x के कितने मान संभव है, मतलब x की जगह पर क्या क्या रखा जा सकता है संख्या तीन से जिससे पूर्णता कटती रहे। चार और पांच भी मिलकर नौ होते हैं, छह भी कट जाता है नौ, आठ सात पंद्रह भी कट जाता है नौ, मतलब प्रत्येक अंक तीन से कट जा रहे हैं। अब यहां पर x की जगह पर क्या रख सकते हैं जिससे कि संख्या तीन से कटने वाली ही बनी रहे। शून्य रख सकते हैं बिल्कुल, तीन रख सकते हैं बिल्कुल, छह रख सकते हैं, नौ रख सकते हैं। इसके आगे कोई कहे बारह भी तो रख सकते हैं। सर बारह नहीं रख सकते क्योंकि बारह दो अंकों की संख्या होगी। तो मतलब कुल मिला के हमने देखा कि हम चार अंक रख सकते हैं जिससे कि संख्या तीन से पूर्णतः विभाज्य बनी रहेगी। तो यहां पर डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है, चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप नोट कर सकते हैं डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपने यहां पर देखा कि चार अंक आप रख सकते हैं जिसकी वजह से संख्या तीन से पूर्णतः कटने वाली संख्या बनी रहेगी। आगे मैं बढ़ूंगा अगले प्रश्न पर। देखिए पांच के बाद छठवें नंबर पर आते हैं। जैसे तीन का पैटर्न है सेम टू सेम नौ का पैटर्न है, एक और कॉम्बिनेशन 6, 7, 2, 3, 5 * 4, 8, 9 नौ से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान हमको बताना है। इसके लिए भी सेम काम करना पड़ेगा जो भी हमने किया है तीन के लिए। यहां भी अंकों को देखना, जैसे नौ कट जाएगा नौ से, ठीक है, सात और दो मिलकर कट जाएंगे नौ से, छह और तीन मिलकर नौ से, पांच और चार मिलकर नौ से, बचा क्या आठ। आठ में क्या जोड़ दिया जाए, तो इसने हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में x का मान क्या होगा। अब यहां पर इसने नहीं पूछा कितने अंक हो सकते हैं, यहां पर पूछा निम्नलिखित में। तो बचा मेरे सामने आठ है, आठ में क्या जोड़ दें कि नौ से कटने वाली संख्या बन जाए। तो दिए गए ऑप्शंस में अगर आठ में एक जोड़ दें तो नौ से कटने वाली एक संख्या बन जाएगी। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही है, एक इस प्रश्न का उत्तर होगा जो कि आप लोग नोट कर सकते हैं। तो छठे प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है, जो डिविजिबिलिटी के नियम का एक और पर्याय है, एक और तरीका है। अब थोड़ा सा शेषफल की बात की जाए तो शेषफल को भी थोड़ा समझें हम बोर्ड पर, तो जिससे चीजें स्पष्ट हो सके कि शेषफल, शेषफल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम शेषफल को कई कैटेगरी में आपको समझाएंगे अलग अलग मॉड्यूल में। जब भी किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाता है तो यदि वह संख्या पूर्णतः कटती है तो शेषफल शून्य आता है, नहीं तो एक मान आता है। आप कभी भी कोई डिवीजन करते हैं, कोई भाग परफॉर्म करते हैं, तो आपको पता है कि हमारे सामने एक डिविडेंड होता है जिसको हिंदी में हम लोग भाजक कहते, भाज्य कहते हैं। एक हमारे सामने डिवीजर होता है जिसको हम भाजक कहते हैं। एक हमको कोसेंट प्राप्त होता है जिसको हम भागफल कहते हैं, और फाइनली हमको एक रिमाइंडर प्राप्त होता है जो कि शेषफल कहलाता है। अब याद रखिए कि जब भी एक सीक्वेंस, आप जानते हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, कि डिविडेंड को अगर हम ए कह दें, इसको हम बी कह दें, इसको हम एक्स कह दें, इसको आर कह दें, तो हम यहां पर लिख सकते हैं बी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू ए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह एक सिस्टम है जिसको हम अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग लेवल पर आपको समझाएंगे। लेकिन आपको यह पता है कि जैसे किसी भी संख्या को, मान लीजिए 35 है, मैं इसको 4 से भाग दे रहा हूं, तो 35 तो 4 से नहीं कट रहा है, बट दो संख्याएं कटेंगी, जैसे 32 कटेगी और 36 कटेगी, 36 भी कटेगी। तो अगर हम 32 तक पहुंचे हैं तो 32 तक हम 8 बार जाके पहुंचे हैं, अगर हम एक जोड़ दें, तीन जोड़ दें, तो 35 प्राप्त हो जाए, मतलब रिमाइंडर तीन हो गया। लेकिन कोई कहे 4 × 9 = 36 होता है, और अगर हम इसमें से एक घटा दें तो रिमाइंडर हमारा -1 हो जाए और 35 पर पहुंच भी जाए। तो कहने का मतलब, अगर हमने देखा कि 4 से भाग देने के दौरान 35 को दो रिमाइंडर आया, एक तो +3 आया, दूसरा -1 आया, और पूरी मैथमेटिक्स में हम लोग प्लस रिमाइंडर का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन आपने देखा इन दोनों रिमाइंडर्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है, जब घात के प्रश्न किए जाएंगे तो वहां इंपॉर्टेंस नजर आएगी, उसके पहले भी इंपॉर्टेंस है कि दोनों जुड़कर देखिए 4 होते हैं। किसी जरूरत के दौरान अगर हमें नेगेटिव मिल गया तो हम 4 से घटा करके हम पॉजिटिव पर पहुंच सकते हैं। इन सब की अपनी एक उपयोगिता है। आप किसी एक बड़े लेवल के प्रश्न की बात करिए, जैसा कि आपको सीट में दिया गया है, आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सीट में दिया गया है जो प्रश्न है, जैसे 67 की पावर 67 है, +67 है, को 68 से भाग दिया जा रहा है। अभी जैसे हमने किया, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि अगर हम 8 को 9 से भाग दें,
आठ को नौ से भाग दें तो जो छोटी संख्या है तो एज इट इज रह गई शेष पल। जैसे हमने कहा आठ को मैंने अगर नौ से भाग दिया तो जब तक ऊपर का मान छोटा है रिमाइंडर एज इट इज रह जाएगा, रिमाइंडर पूरी संख्या ही बनी रहेगी। बट अगर आप ऐसा कहते कि हम 10 को 9 से भाग दे रहे हैं, 10 को 9 से भाग दे रहे हैं तो जाहिर सी बात 9 एक के 9 और एक जुड़कर यहां पर 10 तो रिमाइंडर यहां पर एक आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। बट जैसे इस तरह की स्थिति है कि मान लीजिए आपने देखा कि आप 11 ऐसे कह दीजिए, आप 10 को 11 से भाग दे रहे हैं, 10 को 11 से भाग दे रहे हैं, या हम जैसे हमने कहा था कि 9 से हमने 8 को भाग दिया था तो 9 एक के 9 होता है और रिमाइंडर आप -1 भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से 11 एक के 11 होता है और रिमाइंडर 11 एक के 11 ना जाकर के 10 हमको तक पहुंचाने की बात है तो -1 भी रिमाइंडर हो सकता है। सेम स्थिति है कि अगर हम 67 को 68 से भाग देंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर आपका -1 आएगा। आप समझने की बस कोशिश करना और तुरंत समझ में आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि जब हम छोटी संख्या को भाग देते हैं तो एज इट इज रिमाइंडर रहता है, कोई चेंज नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही हम बड़ी संख्या को भाग देते हैं तो रिमाइंडर की बात करते हैं। 67 को अगर 68 से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर नोटिस करना बेहतर है। -1 की पावर 67 हो गया और -1 की पावर अगर हम एक इवन नंबर लगाते हैं तो मान हमेशा +1 आता है, जबकि -1 की पावर अगर हम एक ऑड नंबर लिखते हैं, विषम संख्या लिखते हैं तो मान हमेशा -1 आता है। अब आप देख रहे हैं -1 के ऊपर क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब इस पूरे मान को हम कह दें कि यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आएगा? -1 आएगा। हमने कहा कि अगर हमने यहां पर -1 की पावर 67 को देखा तो इसका मतलब यह -1 ही हो जाएगा, जबकि यहां पर 67 है और 68 है, 68 से 67 को भाग देंगे तो 67 ही रह जाएगा क्योंकि छोटा है, 68 से 67 छोटा है। तो अब यहां पर 67, यहां पर -1, 67 से 1 घटा तो मान 66 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 66 हो जाएगा जो कि सही ऑप्शन में दिया गया है। शेषफल इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपको दिया गया है। कैसे किया गया? मैंने बताया कि आपने 67 को भाग दिया तो -1 आया रिमाइंडर, ठीक है, -1 आ सकता था या तो 67 को दी हो सकता था। अब 67 को तो लेके चल नहीं सकते थे तो हम -1 की पावर 67 कर दिए तो मान -1 आ गया। दूसरा, हम यहां पर भी -1 लिख सकते थे लेकिन -1 का काम थोड़ी है हमारे पास, -1 का काम नहीं है हमारे सामने, डायरेक्ट 67 का काम है। 67 से 1 घटा दिया तो 66 हो गया, मान आ गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ऐसा कोई भी प्रश्न मिले तो आप ऐसे प्रश्नों को इसी तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगला देखेंगे। अब देखिए अगला इसी तरह का एक प्रश्न है, क्या है, 27 की पावर 35 है, हमसे कहा इसको 26 से भाग दीजिए और शेषफल बताइए। तो 26 से भाग देंगे भाई तो सिंपल सी बात है, यहां पर कोई समस्या नहीं, 26 एक के 26 तो मतलब 1 की पावर 35 हुआ। अब पॉजिटिव 1 की पावर चाहे जो भी आएगी मान हमेशा 1 होगा, 1/26 हो जाएगा तो रिमाइंडर भी यहां पर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा छोटी संख्या को अगर बड़ी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल एज इट इज रह जाएगी, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 इस प्रश्न का उत्तर हो गया, 1 लगा सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा अगले प्रश्न पर। ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आप देख सकते हैं। कह रहा है किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 आता है, इसी संख्या को 47 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इस तरह का कभी भी कोई प्रश्न आए तो जो हमारे पास शेषफल आया है जो कि 193 है, आप 893 से भाग देने पर शेषफल कह रहा था 193 आता, अब 193 अब कह रहा उसी संख्या को अगर 47 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, मतलब वह संख्या कॉमन थी दोनों के लिए, चाहे 893 की बात की जाए चाहे आपकी 47 की बात की जाए। अब हम लोग ऐसी स्थिति में हम तुरंत इस जो शेषफल अभी अभी आया है इसको अगर मैं 47 से भाग दे दूं, 47 से भाग देने का मतलब ये 4 बार जाएगा 188 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 4 = 16, शेषफल यहां पर 5 आ जाएगा, रिमाइंडर 5 हो जाएगा। तो 5 डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो आप नोट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे प्रश्नों पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बड़े अच्छे प्रश्न होते हैं, ये बार के प्रश्न होते हैं, बार के प्रश्न ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आवर्ती भिन्नों का एक सिस्टम है। जब भी आप भिन्नों को लिखते हैं तो भिन्नों का आवर्ती होना मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का एक रूप होता है, और कभी भी इस तरह के बार के भिन्न, जैसे अगर कभी भी बार लगा है तो बार का मतलब रिपीटेशन होता है, बार बार चीजों का दोहराना होता है। ऐसा कभी भी कोई कॉम्बिनेशन मिले जैसे 0.P के ऊपर केवल बार लगा है तो इसको P/9 लिखा जा सकता है, 0.PQ के ऊपर बार लगा है तो इसको हम PQ/99 लिख सकते हैं, PQ/99 लिख सकते हैं। मतलब जब भी कभी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आए जैसे 0.PQR
पूरे के ऊपर 12 लगा है, आप पी क्यू आर बटा 999 लिख सकते हैं। मतलब कभी भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आए तो आप तुरंत पूरी संख्या लिखिए, 423 बटा यहां पर 999 करिए। अब देखिए, जब मैंने देखा तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था इसमें, ना इसमें से कोई ऑप्शन नहीं था। ये हमने यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ही ले रखा है। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, बट अगर मान लीजिए प्रश्न हमारा कुछ ऐसा होता, देखना ध्यान से आप लोग थोड़ा सा समझना, तो वहीं से आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जो चीज हम बताना चाहते हैं वो क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए यह होता 0.423, केवल इतने के ऊपर बार लगा होता, मतलब कुछ पद होते जिसके ऊपर बार लगा था, कुछ के ऊपर नहीं लगा था। इसके लिए सिस्टम यह होता है कि आप पूरी संख्या एज इट इज लिख दीजिए, इसके बाद उसमें से उतना घटा दीजिए जिसके ऊपर बार ना लगा हो, जैसे 4 को घटा दिया, नीचे गए जितने अंकों के ऊपर बार लगा उतनी बार 9 लिखिए, और जितने के ऊपर नहीं लगा उतनी बार 0 लगा दीजिए। अब इसमें से इसको घटाइए, 419 हो जाएगा बटा 990 हो जाएगा। अब आप देखिए तो वहां पर एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इसका मतलब इस प्रश्न में कुछ ऐसे रहा होता 0.423 और इतने के ऊपर बार, तब एज इट इज इस प्रश्न का ऑप्शन यहां से मैच कर जाता, जो पहले सिचुएशन दी गई थी उसमें वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। लेकिन तरीका दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि जरूरत पड़ने पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये जोड़ पर आधारित है, थोड़ा सा भिन्नों के जोड़ पे हम बात अगर कर लें थोड़ी सी। कभी भी अगर जैसे इस तरह का जोड़ है, जैसे 1+1/2 है, मैं इसको 1 से ही 1/2 लोगों को बता देता हूं, आप 2+3/5 है तो आप कह सकते हैं सर 2 से ही 3/5। हालांकि ऐसी कोई हमें जरूरत नहीं है, जैसी जरूरत है उसके आधार पर अगर मैं बात करूं जो प्रश्न दिया गया है, 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4, सो ऑन बढ़ते गए 1+1/120। हमने क्या किया, 1+, देखिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, 1+1/2, 1+1/3, इसी तरह से 1+1/4, ऐसे बढ़ते चले गए और पहुंचे कहां पर, 1+1/120 पर। ठीक, इसको समझिए। अब आपको यहां पर प्रत्येक को जोड़ना है और बीच में सबका गुणा लगा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 = 3/2 लिख सकते हैं, 3 × 3 = 4/3 लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं, ऐसे ही बढ़ता चला गया सोवान, और 120 चलिए। अब आप देखिए काटने की स्थिति पर आइए, देखिए कौन कौन कट रहा है, कट रहा है 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, सोवान ऐसे बढ़ता चला गया, ऐसे कटता चला गया, तो हमारे सामने अंतिम में एस से कट जाएगा, तो बचेगा 121/2। 121/2 मतलब 2 × 12, 0 × 2 = 10, 60.5 इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए था, जो आप लोग यहां पर कर पा रहे हैं। 121 बटा अगर हम लोग यहां पर 121 बटा अगर हम लोग 120 देख रहे हैं, तो 120 को अगर 200 डिवाइड किया तो 260.5 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन में आप इसमें प्रश्न का उत्तर आपने नोट कर लिया, मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे कैसे करना है, क्या सिस्टम है आप तुरंत बता सकते हैं। अब देखिए एक बढ़िया प्रश्न, इस तरह का प्रश्न भी आपके सामने बोर्ड पर है, 5 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग यस है, उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस प्रकार से संबंधित है। अब क्रमिक पूर्णांक की अगर बात करें तो एक क्रम में आने वाले पूर्णांक की बात की जा रही है, जैसे पहला अगर ए है तो दूसरा a+1 होगा, तीसरा a+2 होगा, a+3 होगा, a+4 होगा। अब आपने देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सबसे बड़ा, यही है लार्जेस्ट। ठीक है, मुझे इसी का संबंध बताना है अपने योग से, और इसने कहा कि इन सब का योग कितना, अगर सबको जोड़ दिया जाए, सबको जोड़ दिया जाए प्लस 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 प्लस, तो मान यहां पर यस होना चाहिए। ठीक, जोड़ी देखिए, ए कितनी बार है, 5 बार, तो 5 ही हो गया, 5 ही हो गया, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 प्लस 10 बराबर आप यस लिख सकते हैं, तो 5 ए आपका हो जाएगा यस माइनस 10 और ए बराबर आपके सामने यस माइनस 10 अपान आपका 5 हो गया। जबकि आप अगर देखो तो आपको जरूरत a+4 की है, a+4 के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे अगर हम a+4 मतलब करेंगे तो यस माइनस 10 अपान 5 प्लस अगर आप 4 कर दिए तो हो जाएगा यस माइनस 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5, कहने का मतलब यस प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो यस प्लस 10 डिवाइडेड 5 आप डी ऑप्शन में देख पा रहे हैं। चौथा मान मतलब हमारे पास जो हमको सबसे बड़ी संख्या है, जैसे ए तक तो हमको पता चल गया, बट हमको ए से मतलब नहीं था, हमको ए प्लस 4 से मतलब था,
चार इसमें अगर जोड़ेंगे तो लार्जेस्ट नंबर आपका रिलेट करना है, तो लार्जेस्ट नंबर आपको पता करने के लिए आपने चार इसमें जोड़ दिया। इस प्रश्न का उत्तर हमारे सामने डी ऑप्शन से मैच कर गया, तो डी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करिएगा, आगे बढ़िएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने बोर्ड पर होगा, क्या प्रश्न है समझने की कोशिश करिए। दो अंकों की संख्या, अब सबसे पहले दो अंकों की संख्या समझ लीजिए क्या है, दो अंकों की संख्या क्या है, थोड़ा इसको दिमाग में रखिए आप लोग। कोई भी दो अंकों की संख्या को और क्या सिस्टम है और कैसे इसके प्रश्न बनते हैं, दो अंकों की संख्या का सिस्टम क्या है और इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। आपको पता है दो अंकों की कोई संख्या होगी 10 से लेकर 99 तक होती है। अब अगर कोई भी दो अंकों की संख्या है तो उसको लिखने का उसका एक सिस्टम है, 10 गुणे दहाई का अंक, ये देखिए सिस्टम है, प्लस इकाई का अंक। आप किसी भी संख्या की बात करिए, किसी भी संख्या, जैसे मैंने कहा 63 मान लीजिए, 63 है 10 गुणे, आप इसको 6+3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई मतलब 3। अब प्रश्न कैसे बनता है समझिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। हमसे कहेगा कि अंकों का योग 9 है, देखिए 9 है, अंकों का गुणनफल 18 है, अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, बदल दीजिए तो 36 हो जाएगी, तो ओरिजिनल संख्या से कम हो गई, कितना कम हो गई, 13 से 7, 6 5 से 3 27 कम हो गई। प्रश्न कैसे बन सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को लेकर के, अंकों के योग पर, अंकों के गुणनफल पर, अंकों के स्थान को परस्पर बदल देने से संख्या छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है, यही सब कॉन्सेप्ट देकर के प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न बनाया जाता है। जो हमको प्रश्न देते हैं सब ओरल सॉल्व किए जाने वाले प्रश्न होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होती है। आप देखोगे तो आपको जो प्रश्न दिया वो भी एकदम ओरली चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझ करके। क्वेश्चन है, यदि दो अंकों की संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 है तो संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा, संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा। मान लीजिए मैंने कहा संख्या हम बना ले 10x+y, ये ओरिजिनल संख्या है, इसके अंकों को पलट दीजिए तो संख्या जो नई बनेगी वो आपकी बन जाएगी 10y-+x, दोनों के बीच का अंतर है 27 का, बराबर कर दिया। देखिए मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओरली अभी कर लेंगे आप लोग, 10x-x+y-10y=27। अब आप लिख दीजिए यहां पर 9x-9y=27, 9 से काट दीजिए तो x-y=3, x-y=3, संख्या के अंकों का अंतर 3 है जो सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ओरल आप बता सकते हैं इस तरह के प्रश्नों का, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, संख्या के अंकों का अंतर पूछा और अंकों के स्थान को परस्पर पलट देने पर अंतर जो आ रहा 27 का आ रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले यही चीज को पढ़ा था कि अगर वह संख्या 63 थी, स्थान को पलट देंगे तो 37 होगा, डिफरेंस कितने का हुआ 27 का, संख्या के बीच अंकों का अंतर कितने का है 3 का। आप 3 के या हम इस प्रकार से कोई भी एक कॉम्बिनेशन लेकर के ऑप्शंस को मैच करा सकते थे, 3 इस प्रश्न का सही उत्तर आया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। 14 नंबर पर आइए, अब देखिए एक और बढ़िया प्रश्न है, इसको भी समझिए, इसको भी ओरल बता सकते हैं। अब पहले तो समझ लीजिए, दो अंकों वाली किसी संख्या में इकाई के स्थान पर स्थित अंक को 50% बढ़ा दिया जाता है और दहाई के स्थान पर स्थित अंक को 100% बढ़ा दिया जाता है, इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है वह मूल संख्या से 33 बड़ी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी, चलिए बताते हैं। आप एक काम करो, सब में 33 जोड़ दीजिए, क्योंकि मूल संख्या इन्हीं में से चारों में से कोई होनी है, सब में जब 33 जोड़ देंगे तो आपका देखिए 7 और 6, इसमें भी 33 अगर जोड़ दिया तो यहां पर 6 3 9 3 3 6, यहां भी 33 जोड़ दिया तो 7 3 10 4 3 7 70, इसमें भी 33 अगर जोड़ दिया 7 3 10 3 2 5 1 6 4 3 7 8 80। चलिए अब आप थोड़ा रिलेट कर लीजिए अपनी चीज को, अपनी रिक्वायरमेंट को जो हमारी है। इसने कहा था इकाई के स्थान पर स्थित अंकों को 50% बढ़ा दीजिए, यहां पर जब हमारे पास 67 आया है तो क्या यह इकाई के अंक का 50% बढ़ा है, 4 का 50% बढ़ा है, काट दीजिए नहीं बढ़ा है। इसी तरह से फिर से समझने की कोशिश करना, इसमें देखिए 6 का 50% बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, 6 का 150 गुना हो गया, 6 का 50% 3 होता है और वह देखिए बढ़कर 9 हुआ है, 3 का 100% मतलब 3 ही बढ़ गया तो 6 हो गया,
यहां पर देखिए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट हमको लग रहा है 36 हमारा राइट ऑप्शन है जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। मतलब 36 था जुड़ करके 69 हो गया क्योंकि 33 बढ़ा है, इसका आधा बढ़ा है, इसका एग्जैक्टली उतना ही मान बढ़ा है, मतलब उतने के बराबर। जिस 6 का आधा 3 बढ़कर 9 हुआ है, 3 का पूरा 100 गुना बढ़कर के मतलब 6 बढ़कर के मतलब 3 खुद बढ़कर 6 हुआ है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बी है वही एग्जैक्टली हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अगर आप इसको थ्योरी से करोगे तो बहुत ही टाइम टेकन है, ऐसे ही ओरली इसको रिलेट कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं, आप थोड़ा सा इस पे परसेंटेज पर काम करते हुए इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगला प्रश्न है मेरे सामने, बोर्ड पर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या है और कैसे इसको हम कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, एक भिन्न का जो अंश हर है उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है, तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर के हर दोनों का योग कितना है। बढ़िया, देखिए पहले सोचिए, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, हर जो है अंश से 3 अधिक है, अंश अगर x होता तो भिन्न का हर x प्लस 3 होता। ये देखिए ओरिजिनल भिन्न था, कहा है पढ़िए, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यह स्थिति थी। अब आगे बढ़िए, यदि इसने कहा अंश में 7 की वृद्धि की जाए मतलब x प्लस 7 कर दे और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो x प्लस 1 हो जाएगा, तो यह भिन्न का मान 2 हो जाता है। सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। अगर x बराबर 5 हो गया तो यहां पर 5 होगा और यहां पर 8 होगा, इनका योग कितना होगा 13 होगा, इनका योग कितना होगा 13, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया। थोड़ी सी यहां पर हमारी तत्परता हमारे इस प्रश्न को आराम से सॉल्व करा देगी। मेरा एक जनरल ओपिनियन था यहां पर, जो चीजों को हमको एग्जाम में लाना है उसी चीज को आपके सामने डिलीवर करने का। मैंने जैसे आपसे कहा था 15 प्रश्नों का चयन करेंगे, 15 प्रश्नों को डिलीवर करेंगे, कम समय में ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न आप समझ पाए होंगे, हर चीज का एक अपना तरीका है, थोड़े में ज्यादा समय लगा होगा, किसी में कम समय लगेगा होगा, लेकिन सबका अपना एक रूटीन है, आप बेहतर तरीके से इन चीजों को तैयार कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये ऑप्शन ये सेशन आपको समझ में आया है, आपने अच्छे से सीखा है। हम लोग ऐसा ही सेशन आगे के टर्म में कंटिन्यू करते हुए आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।